हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड कार्निशन। कोड कार्निशन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस टॉपिक में कवर करेंगे रिलेटिव लेआउट के बारे में। रिलेटिव लेआउट क्या होता है? बेसिकली जैसे नेम सजेस्ट करता है, रिलेटिवली वो अरेंज करता है किसी भी व्यू को एंड्रॉयड स्टूडियो के लेआउट में। अगर सपोज़ हमें किसी भी व्यू को किसी दूसरे व्यू या पेरेंट्स के रिलेटिव अरेंज करना हो तो उसे हम रिलेटिव लेआउट कहते हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू अरेंज अ व्यू पर्टिकुलरली टू इट्स पेरेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अदर चाइल्ड व्यूज, वी कॉल इट एज रिलेटिव ले आउट। दैट ले आउट विच वी यूज इट टू अरेंज अ व्यू इन रिलेटिवली, दैट वी कॉल इट एज रिलेटिव ले आउट। बेसिकली ये दो तरह से अरेंज हो सकता है। फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड। ईच व्यू जो हम अरेंज कर रहे हैं उसमें एट्रीब्यूट हमें डिफाइन करना होता है। वो एट्रीब्यूट अगेन दो तरह के होते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड, विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स। लेट्स सी, एक हम डायग्राम के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे। हमारे पास अभी रिलेटिव लेआउट के ये एग्जांपल है। सपोज हमारे पास व्यू फर्स्ट, व्यू वन जो है वो अपने पेरेंट्स के रिलेटिवली अरेंज्ड है, टॉप में एंड लेफ्ट साइड। तो ये टॉप और ये लेफ्ट, तो इसमें अगर टॉप हम रिलेटिव लेआउट को टॉप ट्रू कर देंगे तो ये टॉप में पेरेंट्स के थ्रू अरेंज्ड है। सेम अगर लेफ्ट ट्रू करेंगे तो ये पेरेंट्स के थ्रू अरेंज है। सेम व्यू टू जो है वो हमारा पेरेंट्स एंड चाइल्ड व्यू के अक्रॉस में अरेंज्ड है। व्यू थ्री अगेन पेरेंट्स एंड चाइल्ड व्यू के अक्रॉस अरेंज्ड है। व्यू फोर जो है वो दोनों साइड से पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली अरेंज्ड है। इसी को हम एट्रीब्यूट्स चेक करते हैं, सेम में हमें किस तरह के एट्रीब्यूट्स यूज़ करने होते हैं। सो रिलेटिव लेआउट्स के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स इट विल बी फोर टाइप्स, लाइक एंड्रॉयड लेआउट अलाइन पेरेंट्स टॉप, एंड्रॉयड लेआउट अलाइन पेरेंट्स राइट, पेरेंट बॉटम, पेरेंट लेफ्ट। दीज ऑल फोर लेआउट्स विल टेक अ वैल्यू ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। दीज ऑल फोर लेआउट्स टेक द वैल्यू ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। अगेन द थ्री लास्ट थ्री वैल्यूज विल टेक अ वैल्यू ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, दैट विल बी सेंटर इन पेरेंट्स, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। अगर हम इसमें ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू इसमें पास करते हैं। सेम वे सपोज टॉप, अगर हम फर्स्ट फोर अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं और किसी भी व्यू को एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में ऐड करके चल रहे होते हैं तो राइट टॉप, सो इट विल बी ऑलवेज राइट टॉप, लेफ्ट टॉप। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी व्यू अगर हम एट्रीब्यूट नहीं सेट करते हैं तो वो लेफ्ट टॉप में अरेंज होगा सबसे पहले। देन दीज आर द एट्रीब्यूट्स विच विल बी विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड, अलाइन टॉप, अलाइन राइट, अलाइन बॉटम, अलाइन लेफ्ट, layout above, layout below, layout to, left to and left। So इसमें जो भी values हम pass करते हैं वो another layout की IDs होती है। Like suppose मुझे किसी भी एक layout को दूसरे layout के bottom में arrange करना है तो हम उसकी IDs जाएंगे। Let's say this one। So ये view one जो है वो view two के bottom में है। So we will write like view 2 bottom of align bottom view 1। view 2 के description में जब हम attribute set करेंगे तो उसके attribute में लिखेंगे view attribute of view 1। let's see same thing in the code। तो हम इसे code में समझते हैं। code में हम example समझने के लिए हम लोगों ने अभी फिलहाल के लिए तीन buttons use किए हुए हैं, button 1, button 2, button 3। लेट्स नेम इट अकॉर्डिंगली। बटन वन, बटन टू एंड बटन थ्री। सो बटन वन, बटन टू, बटन थ्री, सो इन तीनों को हमने अरेंज कर दिया। अभी एज प्रेजिडेंट ये मेरा लेफ्ट टॉप है, लेफ्ट टॉप में अरेंज्ड है। सेम थिंग ये टॉप राइट में अरेंज्ड है, दिस विल बी इन सेंटर
parent in center. So let's see center in parents. So let's see the same thing in XML code. So this button is arranged in left top. So left parent left is true, parent top is true. सेम थिंग अगर हम इसको सेकेंड वाले को चेक करेंगे तो इसमें मेरा पेरेंट ट्रू है एंड पेरेंट राइट भी ट्रू है. अगर हम सपोज इन दोनों को रिमूव कर देते हैं, हमारे जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको रिमूव कर देते हैं, तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कशन किया था कि एट्रीब्यूट्स अगर डिफाइन नहीं होंगे तो बाई डिफॉल्ट इट विल बी लेफ्ट टॉप मीन्स दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर. सो इफ आई एम रिमूविंग माई बटन विल बी बाई डिफॉल्ट लेफ्ट टॉप. देन लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि हम एट्रीब्यूट्स को देखते हैं सेंटर. सो सेंटर इन पेरेंट्स, सो अगर सेंटर इन पेरेंट्स डिफाइंड है सो इट विल बी इन सेंटर. सपोज इसको हम हॉरिजॉन्टली डिफाइन करते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सो ये हॉरिजॉन्टली डिफाइन हो जाएगा. सेंटर वर्टिकल डिफाइन करना हो, सेंटर वर्टिकल डिफाइन हो जाएगा. बट अगर दोनों को डिफाइन करना हो सेंटर हॉरिजॉन्टली एज वेल एज सेंटर वर्टिकल, सो टू बेटर टू डिफाइन बोथ वी कैन डिफाइन अ सिंगल थिंग एज सेंटर इन पेरेंट. सेंटर इन पेरेंट, दिस इज व्हाट द सेंटर इन पेरेंट. नाउ लेट्स सी अबव ऑन बॉटम टू चाइल्ड व्यू. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बटन टू को प्लेस इट टॉप टू, अलाइन टॉप टू बटन वन, अलाइन टॉप टू बॉटम वन. यहाँ हम आईडी पास करेंगे. सो सी दिस इज टॉप. सो टॉप टू बॉटम वन मीन्स ये हमारा बॉटम वन के टॉप में अलाइंड है ऑन राइट साइड में. इसको अगर अच्छे से समझने के लिए हम बॉटम थ्री के आईडी पास कर देते हैं. सो लेट्स से बॉटम थ्री. सो ये बॉटम थ्री के टॉप में, इसका टॉप एंड बॉटम थ्री का टॉप सिमिलर है, सेम है, तो दैट विल बी अलाइन टॉप. देन अगेन अलाइन राइट अगर हम अरेंज करना चाहें, सो अलाइन राइट एंड लेट्स रिमूव दिस वन. देन या सी दिस बटन टू का राइट जो है और बटन थ्री का राइट है, दे बोथ आर अलाइन टुगेदर. सो इसमें हम यूज करते हैं अलाइन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दैट वे. सो इस तरह से XML लेआउट में हम रिलेटिव लेआउट को डिफाइन करते हैं. सो या स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी ब्रिंगिंग आउट फ्रेम लेआउट. देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वी विल बी ब्रिंगिंग आउट टैबलेट लेआउट. थैंक यू गाइस, डू सब्सक्राइब टू कोड कार्निशन.